Okay, good morning students. Today we will discuss about the some of the numericals related to the work energy theorem, kinetic energy as well as the potential energy. Last time हम लोगों ने topic discuss किए थे, उनके related हम लोगों ने एक numerical solve कर लिया. तो देखो यहाँ पर first numerical के बारे में क्या बोला गया है. A rocket of mass, एक rocket है जिसका mass कितना बोला हुआ है 3 × 10⁶ kg. ठीक है, तो यहाँ पे हम solution लिख के चलते हैं साथ साथ में. क्या बोला गया है मेरे पास मास क्यों है मेरे पास क्यों कितना बोला हुआ 3 × 10⁶ kg. ठीक है, टेक ऑफ फ्रॉम द लॉजिक पैड, कैसे वो लॉजिक पैड से टेक ऑफ होता है, ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट करता है एंड एक्वायर अ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी पार करने तक कितनी वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकंड. ठीक है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 25 किलोमीटर यानी कि आपने हर शब्द से 25 किलोमीटर ऊंचा जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर पर सेकंड. उसकी कितनी हाइट पे जा रही होगा 25 किलोमीटर. ठीक है, देन कैलकुलेट एट दिस पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, यहां पे हम रॉकेट बना लेते हैं, मेरे पास रॉकेट है ऑन द लॉन्चिंग पैड, तो यहां पे स्पीड ऑफ तो जीरो होती है, लेकिन जैसे होता है लॉन्चिंग पैड से ये सर्टेन हाइट तक पहुंच जाता है, कितनी हाइट में पहुंच जाएगा ये h इक्वल टू 25 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच रहा है, तो यहां पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो हो जाती है वो 1 किलोमीटर पर सेकंड की हो जाती है. ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करते हो बोला गया आप लोगों को, अरे भाई यहां पे पी पॉइंट के ऊपर टेंशन एनर्जी काम की होगी या पर लगता काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम यहां पे पता करें कि सारा सिस्टम एक सिस्टम के अंदर है कि नहीं है. देख लेते हैं किलोग्राम किलोमीटर किलोग्राम किलोमीटर कभी एक सिस्टम के अंदर नहीं आते, क्यों, क्योंकि ऐसा है सिस्टम के अकॉर्डिंगली मास होता है वो किलोग्राम में होता है, डिस्टेंस होती है वो मीटर में होती है, वो टायर लोड होता है क्या होता है, तो यहाँ पर तो किलोमीटर दिया हुआ है तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कितना 1000 मीटर पर सेकेंड हो गया. आप ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं, यहाँ से भी कितना हो जाएगा 25000 मीटर. क्लियर होगी बात के किलोमीटर को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया मीटर में, टायर में भी कन्वर्शन करने में इजी रहे. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए पार्ट, ए पार्ट में मेरे को बोला गया पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो, बड़े का फार्मूला तो पोटेंशियल एनर्जी ये याद होनी चाहिए सभी को, कितना होता है एम जी एच, कितना होता है एम जी एच, और जी की वजह हम आपको बोली नहीं थी कि ले लिया हमने 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यू ले ली है, मास कितना बोला हुआ है हमें 3 × 10⁶ जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी आ गई मेरे पास 25000. ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करो 325 कितना होता है 75, 10⁶ 7 हो जाएंगे, 7 + 3 = 10 × 10⁶ बट पोटेंशियल एनर्जी जूल, इतनी आ गई मेरे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी, इन ब्रैकेट कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, अरे काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होता है मेरे पास 1/2 mv² यही होता है ना, हाफ होता है mv². ठीक है, तो यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कितनी आती है 1/2 मास है मेरे पास दिया हुआ कितना 3 × 10⁶ 3 × 10⁶ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी होती है 1000 मीटर पर सेकंड 1000 का स्क्वायर, तो इसको सिंपलीफाई करो कितना मिलेगा 1/2 × 3 × 10⁶ और यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएगी ये 3 × 10⁶ ये 10⁶ बन जाएगी, तो इसको कैंसिल आउट करो 1.5 तो आंसर आ जाएगा मेरा पास 1.5 × 10⁰12 जूल. इसकी वैल्यू है मेरे पास ये अरे काइनेटिक एनर्जी, इन दैट वे आई कैन सॉल्व द काइनेटिक एनर्जी. हम इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर होगी बात, जो जो पैरामीटर मेरे को यहाँ पे पूछे गए थे उसी तरीके से मैंने कैलकुलेट किए, जिनमें नंबर